सुप्रभात। जैसे कि कल हमने बिंदु यानी कि अनुस्वार के बारे में जाना था, आज हम चंद्रबिंदु मतलब अनुनासिक के बारे में जानेंगे। चंद्रबिंदु चांद की तरह होता है और इसके ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, इसलिए इसको कहा गया चंद्रबिंदु। और इसको अनुनासिक क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक और मुंह, जब हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। बच्चों, अनुस्वार में क्या होता था, हवा सिर्फ नाक से निकलती थी, जैसे पंख, ठीक है, डंडा, लेकिन इसमें अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। जैसे मैं आपको अभी शब्द दिखाती हूँ। अनुनासिक ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है, अ आ उ तथा रि, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा। इसका मतलब ये है, ये जो चंद्रबिंदु है ये सिर्फ आ उ तथा रि, जब ये वाली मात्राएं आती है, जब वर्णों के साथ इनकी मात्राएं लगती हैं, तभी लगाया जाता है। अ आ अ का तो कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे उ तथा रि। मैं आपको यहाँ शब्द है, जैसे ये कुआं, यानी कि ये ऊ से संबंधित है, छोटे ऊ से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, चंद्रबिंदु। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं की बात करूँ, यानी कि ये ए की मात्रा है, तो यहाँ पर बिंदी लगेगी, यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा। हालांकि जो ध्वनि है वह हवा और मतलब जो हवा है वह नाक और मुंह दोनों से निकल रही, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। तो चंद्रबिंदु का प्रयोग सिर्फ अ आ उ तथा रि की मात्राओं के साथ ही लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे आंखें, जब बोलोगे जो हवा है वह नाक और मुंह दोनों से निकलती है, आंखें आंखें, ठीक है। चलिए अब हम सुनहरी धूप, आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें से चंद्रबिंदु से संबंधित शब्दों और वाक्यों को पढ़ेंगे। पाठ 13, चंद्रबिंदु अनुनासिक, जिसे इसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक। शब्द है ऊंट, गांव, अंगूठी, बांसुरी। तो ये जो चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका प्रयोग अ आ उ और रि की मात्रा के संग ही प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग वहीं होता है यहाँ पे अ आ उ और रि की मात्रा होगी। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है, ऊ है, अंगूठी, अ, ठीक है, और जहाँ पर भी इसकी ध्वनि आएगी वहीं पर ये लगेगा, शिरोरेखा के ऊपर। आप ध्यान देख सकते हो कि ये शिरोरेखा के ऊपर लगाया गया है, चांद की तरह बना के उसके ऊपर बिंदु। चलिए अब शब्द पढ़ते हैं। सांप, पांच, दांत, कहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, चांद, बांस। बांस क्या होता है, एक पौधा होता है सीधा और लंबा, ठीक है, घास की तरह। टांग, घूट, सून, बूंद, गांठ, कांटा। आंगन, आंगन क्या होता है, जैसे पहले घरों में एक मकान के अंदर ही खुला खुला सा स्थान होता था, वहाँ पे लोग अपने घर के छोटे छोटे काम कर लिया करते थे, ठीक है, खुला सा स्थान होता है, गांव में आज भी आंगन होते हैं, ठीक है, पहले लोगों के घरों में आंगन होते थे। छांटना, आंवला, अंगूठा और अंगुली। अब है वाक्य, नदी किनारे गांव है, पेड़ों की ठंडी छांव है, चारों तरफ हरियाली है, सबके चेहरे पर लाली है, आंगन में आंवले का पेड़ लगा है, उसके नीचे भैया खड़ा है। अब एक और यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। मेरा नाम सांची है, मैं शहर में रहती हूँ, मेरी माँ का नाम चांदनी है, वे हंसते हंसते सारे काम करती है, जब मैं खेल कर आती हूँ वे मेरे हाथ पांव और मुंह धुलवाती है। यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम सांची, वो बता रही है अपने बारे में कि मैं कहाँ रहती हूँ, शहर में, उसकी माँ का नाम चांदनी है। सांची की जो माँ है उसकी माँ का नाम है चांदनी, और वे हंसते हंसते सारे काम करती है, जब वह खेल कर आती है उसकी माँ उसके हाथ पांव और मुंह धुलवाती है। अभ्यास कार्य,
पढ़ो, बोलो और समझो। बच्चों जैसे हमने सिंगुलर प्लूरल किए थे ना इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में एक वचन होता है और बहुवचन होता है। जैसे एक तितली अनेक तितलियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, कहानी कहानियाँ, पहेली पहेलियाँ, बकरी बकरियाँ, जलेबी जलेबियाँ। उसके बाद है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो, बांसुरी, चांद, अंगूठी और ऊँट। तीसरा है जोड़कर शब्द बनाओ, आपने जोड़कर शब्द बनाने हैं, ठीक है। अब है आज का गृह कार्य। अभ्यास पुस्तिका से, ये जो AUP अभ्यास पुस्तिका से आपने ये दोनों पेजेस करने हैं चंद्रबिंदु से संबंधित, ठीक है। चंद्रबिंदु, इन शब्दों में चंद्रबिंदु लगा हुआ, जैसे चंद्रबिंदु क्या, जब किसी स्वर को बोलने के लिए नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है तब वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द दिए गए जैसे कांटा, मुंह, दांत, सांप, बांसुरी, आंखें, या नीचे दिया गया, आप यहाँ से देखकर इन शब्दों को, चित्रों को पहचान कर लिख सकते हैं। ये दोनों पेजेस आपने अपने होमवर्क में करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।